अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पकाने लगी हूँ आलू गोभी चिकन। आलू गोभी चिकन और गोभी गोश्त वगैरह मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो अब मैं शॉर्ट दिखाऊंगी। इतना भी नहीं शॉर्ट दिखाऊंगी कि समझ ही ना आए रेसिपी की, लेकिन फिर भी अच्छा जी। मेरे पास जो है ना वो चिकन है 300 और गोभी जो है वो भी तकरीबन 1 किलो के पास ही है। तो ये है, मैंने पहले जो है ना प्याज जो है इनको ब्राउन किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, यानी कि जितनी मेरे पास सब्ज़ी और चिकन है उसके हिसाब से मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना मैंने टेबलस्पून भर के डाला। दोनों चीज़ें मिक्स थी, लहसुन और अदरक। अच्छा जी, ये है सुरख मिर्च। मैं ज़रा इसे थोड़ा सा करारा ही बनाऊँगी, स्पाइसी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं लेकिन थोड़ा सा। तो ये है नमक, टेबलस्पून से थोड़ा सा कम है, और ये है हल्दी पाउडर, ये भी जो है ना टीस्पून मैंने भर के एक तरह का डाल दिया है। तो मैं सारे मसाले साथ ही शामिल करूँगी, मैं अभी से बता दूँ, इकट्ठे ही डालती जाऊँगी ऊपर नीचे ना। ये मसाले, नमक मिर्च और चिकन और जो है ना टमाटर, इनको मैं इकट्ठी तीनों चीज़ों को एक टाइम पे भून लूँगी। एक टाइम पे सारी चीज़ें ना भून जाएंगी, इसी वजह से मैं सारी चीज़ें डालूँगी तो ये तीनों चीज़ें एक ही टाइम पे हो जाएंगी। अच्छा जी, अब ये जो है ना मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर टीस्पून के हिसाब से, टमाटर, अब जो है मैं थोड़े से साबुत मसाले शामिल करूंगी, बाज़ दफ़ा इस तरह से भी बनाते हैं कि शुरू में मसाले नहीं डालते और गर्म मसाला एंड पे डाल लेते हैं, इसमें वैसे अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि मैं थोड़े से अभी डालूंगी और अगर दिल किया तो मैं एंड पे भी गर्म मसाला शामिल कर लूँगी। अच्छा जी, तो ये है साबुत ज़ीरा और ये है दालचीनी, सिनेमन स्टिक की एक छोटी सी स्टिक, और ये है 3 अदद लौंग। अब मैंने तकरीबन इसको जो है ना 15 मिनट भूनना है तीनों चीज़ों को, और तीनों चीज़ें एक टाइम पे भून जाएंगी, चिकन, टमाटर, मसाले, क्योंकि जो होता है ना ग्रेवी वाला, शोरबे वाला, उसके अंदर तो होता है ना कि प्याज नज़र ना आए खड़ा या टमाटर के छिलके नज़र ना आए, कुछ इस तरह से कोशिश होती है, या मैं बनाती भी इस तरह से हूँ। तो मेरा तरीका ये है, मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ, हर कोई अपने तरीके से बनाता है। तो लेकिन ये है कि ये होता है ज़ाहिर है भुना हुआ, इसमें खैर होती है। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया, अच्छे मसाले की अच्छे से खुशबू, अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की, रॉ स्मेल ख़त्म हुई, रॉ स्मेल तो हर कप की ख़त्म हो गई, और मसालों की और इसकी भुने हुए गोश्त की अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और मैं इसको हल्की आंच पे रख दूँगी, बहुत हल्की नहीं, दरमियान वाली आंच जो है ना उस पर थोड़ा सा गोश्त को होने दूँगी, थोड़ा सा पकने दूंगी, ज़ाहिर 15 मिनट भूना भी है और 10 मिनट मैं इसको इसी तरह से पकने दूंगी, फिर मैं इसके अंदर सब्ज़ी शामिल करूंगी, यानी कि गोभी और आलू। जी तो ये मैं गोभी शामिल कर रही हूँ, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और 2 से 3 मिनट के बाद जो है ना ये रहे आलू, मैं आलू शामिल करूंगी। आंच में थोड़ी तेज़ करूँगी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, तो मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढांप के रखूँगी, फिर आलू शामिल करके फिर इसको ढांप दूँगी। जी तो अब जो है ना मैं आलू शामिल कर दूँगी,
इनको भी आलूओं को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए, आलूओं का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये देखें इसकी कटिंग, तो ये 10 मिनट में हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी तो हंडिया हो गई है तैयार। अब मैं ये कुटा और भुना हुआ ज़ीरा है वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। हो गया जी शामिल, और साथ ही मैं गरम मसाला थोड़ा सा शामिल करूँगी, पिसा हुआ गरम मसाला। हाथ स्लिपरी हुए हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है ना वो मैं धनिया शामिल कर दूंगी। ये भुने हुए ज़ीरे की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट भी खैर अच्छा बनता है, और मैं भून के कूट के जो है ना वो थोड़ा सा ज़रूर रखती हूँ। गरम मसाले के अंदर तो ज़ाहिर है सारे मसाले होते हैं, ये सिर्फ ज़ीरा होता है। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो ट्राई करें। ज़ाहिर है हर किसी को तो अपनी ही जो मेहनत करता है या जिस तरीके से किसी ने सीखी होती है उसी तरीके से उसने बनानी होती है। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो आप ट्राई करें, और इसी के साथ ही इजाज़त। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड दुआओं में याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम।